अल्लामा इकबाल का शिकवा, क्यों जियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फलदा न करूं महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं, जुरात आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। पहले बन में शायर ने तमहीर उठाई है कि आखिर में कब तक खामोश बैठा हुआ अपनी बर्बादी का तमाशा देखता रहूं, कब तक अपने मुस्तकबिल से गाफिल रहूं, जब मुझे गोयाई की कुव्वत हासिल है तो फिर मैं अपने अल्लाह को अपनी रुदाद गम क्यों न सुनाऊं। दूसरा बंद है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, साज खामोश हैं फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम, ऐ खुदा शिकवाए अरबाब वफा भी सुन ले, खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। ऐ खुदा ये सच है कि तस्लीम रजा एक मुसलमान का शेवा है, लेकिन मेरे दिल में इस कदर शदीद दर्द है कि मैं जब्त नहीं कर सकता, इसीलिए अगर मैं तेरी बारगाह में अपने दर्द का किस्सा बयान करता हूं तो मुझे माजूर समझकर माफ कर दे, और अपने आजिज बंदे से जो हम्द सना का आदि है थोड़ा सा गिला भी सुन ले। तीसरा बंद थी तो मौजूद अजल से ही तेरी जाते कदीम, फूल था ज़ेबे चमन पर न परेशान थी शमीम, शर्त इंसाफ है ए साहिबे अल्ताफे अमीन, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीब, हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। ये सच है कि तू अपनी जात के एतबार से कदीम है, यानी एक जमाना ऐसा भी था जब तू मौजूद था मगर तेरी सिफात की जलवागरी नहीं हुई थी, यानी ये कायनात मौजूद ना थी। अब तू खुद इंसाफ कर ले कि अगर मुसलमान ना होते तो तेरी सिफात यानी बुए गुल का इल्म दुनिया वालों को कैसे होता, बस हम मुसलमानों ने दुनिया वालों को तेरे नाम से और तेरी सिफात से आगाह किया, हमने सारी दुनिया में तेरे नाम को बुलंद किया, और इस सिलसिले में हमने जिस कदर कोशिश की यह हमारे लिए राहत खातिर का बायस थी, वरना तेरे महबूब की उम्मत दीवानी तो नहीं थी कि इसने बिला वजह सारी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया। नोट, वाज़े हो कि तौहीद इस्लाम दरअसल तमाम दुनियाए कुफ्र के खिलाफ ऐलान जंग है, इसलिए जब मुसलमानों ने तौहीद का इल्म बुलंद किया तो सारी दुनिया उनकी दुश्मन हो गई। चुनांचे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी मेरे दावे पर शाहिद आदिल है। चौथा बंद हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर, खुगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अंधे के खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। अब शायर खुद अपने दावे पर दलील पेश करता है और कहता है कि ऐ खुदा हम यानी इस्लाम से पहले तेरे बंदों की यह हालत थी कि वो पत्थरों और दरख्तों को खुदा यकीन करते थे, चूंकि इंसान पैकर महसूस की परिस्तिश का आदि हो चुका था, इसलिए वो तुझको कि तू आंख से नजर नहीं आता कैसे अपना मामूद बना सकता था, तुझे खूब मालूम है कि हमारे वजूद से पहले चीन से लेकर मराको तक कोई शख्स तेरा नाम नहीं लेता था, मुसलमानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर तेरे नाम को दुनिया में बुलंद किया, यानी बनी आदम को तौहीद से रोशनाश किया। पांचवां बंद
बस रहे थे यही संजूग भी तुरानी भी, अहले चींची में ईरान में सासानी भी, इसी मामूरी में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी, पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। हमसे पहले तेरी दुनिया में सदहा कौमें बाकी थी, सल्जूकी, ईरानी, चीनी, यूनानी, यहूदी, मजूसी, नसरानी, लेकिन इनमें से किसी ने भी तेरे नाम को बुलंद करने के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं की। मुसलमानों ही ने तौहीद को दुनिया में कायम किया। छठा बंद। थे हमी एक तेरे मार्ग आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जश्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओ में तलवारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओ में तलवारों की। वो मुसलमान ही थे जिन्होंने तेरी अजमत दुनिया में कायम करने के लिए सारी दुनिया से लड़ाई मोल ली, खुशकी में भी लड़े और तरी में भी, कभी यूरोप से बरसरे बेकार हुए कभी अफ्रीका से, हमने दुनिया के तमाम बादशाहों का मुकाबला किया और उनको जहिर करके तौहीद का इल्म बुलंद किया। सातवां बंद। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, थी न कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सरबख फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए, कौम अपनी जो जरो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती। हम अगर जीते थे तो तेरी राह में जिहाद करने के लिए, और मरते थे तो तेरे नाम को दुनिया में बुलंद करने के लिए, हमने कभी माल दौलत या हुकूमत के लिए जिहाद नहीं किया। अगर मुसलमान माल दौलत के तमन्नाई होते तो बुत शिकनी की बजाय बुत फरोशी करते, लेकिन तारीख गवाह है कि महमूद गजनबी बुत शिकन था, बुत फरोश ना था। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पर बिठाया हमने, जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। हम जब मैदान जंग में सर से कफन बांध कर आते थे तो दुनिया की कोई ताकत हमें मगलूब या मरऊब नहीं कर सकती थी। क्या यह तारीखी वाकया नहीं है कि जंग मुता में 3,000 मुसलमानों ने 1,00,000 रोमियों का मुकाबला किया था। हम इस कौम से लड़ने के लिए सरवक्फ रहते थे जो तुझसे सरकशी करती थी, जेर खंजर भी हमने तौहीद का पैगाम दुनिया को सुनाया। नवा बंद। तू ही कह दे के उखाड़ा दर्रे खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदावंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने, किसने ठंडा किया आतिशकदा ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तज़किरा यज़दां को, किसने फिर जिंदा किया तज़किरा यज़दां को। वो मुसलमान ही थे जिन्होंने खैबर का दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया, कुस्तुनतुनिया को फतह किया, बुतखानों की ईद से ईद बजा दी, और कुफार के लश्कर काट कर रख दिए, ईरान के आतिशकदा को ठंडा किया और तेरे नाम को जिंदा किया। दसवां बंद। कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई, और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई, किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई, किसकी है बस सनम सहने हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हो अल्लाह अहद कहते थे, मुंह के बल गिर कर हो अल्लाह अहद कहते थे। मुसलमानों के अलावा और किस कौम ने तुझसे मोहब्बत की, किस कौम ने तेरे और तेरे रसूल की इज्जत के लिए अपना खून पानी की तरह बहाया,
किस कौम की तकबीरों से दुनिया में तौहीद का नूर फैला, बुतों के पूजने वाले किस कौम की हैबत से लर्जा बर अंदाम रहते थे। 11वां बंद। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूह हो के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और एयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा वो साहिब और मोहताज गनी एक हुए तेरी सरकार में पहुंचे, तो सभी एक हुए तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ऐन जंग की हालत में जिस वक्त नमाज का वक्त होता था तो हम क़िबला रूह होकर तेरी दरगाह में हाजिर हो जाते थे, और हमारे मसावात का यह आलम था कि उस वक्त महमूद और एयाज, आका और गुलाम सब एक ही सफ में खड़े होते थे। 12वां बंद। महफिले कौनो मकाम में सहर और शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफत जाम फिरे, कुह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमने इस दुनिया में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे नाम का डंका बजा दिया, हमने सारी दुनिया को तेरा पैगाम सुनाया, और तू जानता है कि हमको इस मकसद में कभी नाकामी नहीं हुई, हम किसी कौम से मरबूब नहीं हुए। खुशकी का तो जिक्र ही किया है, हमने तो समंदर उबूर करके तेरा पैगाम दुनिया को सुनाया, और हम अरब से जो निकले तो बहरे जुल्मात तक तौहीद का परचम उड़ाते चले गए। 13वां बंद। सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नूए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं हम, वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं हम, वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। हमने दुनिया से कुफ्र को मिटा दिया और बनी आदम को हर किस्म की गुलामी से आजाद किया, हमने तेरे काबे की हिफाजत की, उसे आबाद किया, और तेरे पाक कलाम को हमेशा सीने से लगाया, इसके बावजूद तू हमसे नाराज है और तुझे हमसे ये शिकायत है कि हम बेवफा हैं। 14वां बंद। उम्मतें और भी हैं, इनमें गुनहगार भी हैं, उज्ज वाले भी हैं, मस्त मय पिंदार भी हैं, इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं, रहमतें हैं तेरी अखियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तू बेचारे मुसलमानों पर, बर्क गिरती है तू बेचारे मुसलमानों पर। हमारे अलावा इस दुनिया में दूसरी कौमें भी आबाद हैं, इनमें नेक भी हैं और बद भी हैं, बेअमल भी हैं बाअमल भी हैं, और बहुत से लोग तेरे मुनकिर भी हैं, इसके बावजूद तू उन पर मेहरबान है, लेकिन मुसलमान तेरी निगाह करम से महरूम है। 15वां बंद। बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको कि काबे के निगेबान गए, मंजिल दहर से ऊंटों के हरीख्वान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए, खंदाजन कुफर है एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। आज मुसलमानों की बस्ती की यह हालत है कि बुतखानों में बुत परस्त खुशी के लहजे में ये कहते हैं कि मुसलमान बहुत जल्द सफाई हस्ती से मिट जाएंगे, और उनके बाद दुनिया में कोई शख्स न मक्का जाएगा और न मदीना, न दुनिया में कोई कुरान का नाम लेगा। है खुदा, आज काफिर हम पर तंज के तीर बरसा रहे हैं और इस्लाम की हंसी उड़ा रहे हैं, क्या तुझे अपनी तौहीद की बका का अब तक कोई ख्याल नहीं है? क्या तू ये पसंद करेगा कि कुफ्र इस्लाम पर गालिब आ जाए? 16वां बंद। ये शिकायत नहीं है उनके खजाने मामूर, नहीं महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर, कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूर कसूर, और बेचारे मुसलमानों को फकत वादा हूर। अब वो अल्ताफ नहीं हम पे इनायात नहीं,
बात ये क्या है कि पहली सी मदारात नहीं, बात ये क्या है कि पहली सी मदारात नहीं। मुझे ये शिकायत नहीं कि गैर मुस्लिम दौलतमंद क्यों हैं, अफसोस सिर्फ ये है कि उनको सारी नियामतें हासिल हैं और मुसलमान से सिर्फ ये वादा है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी। आखिर ये बात क्या है कि अब तू हम पर जमाना साबिक की तरह मेहरबान नहीं है। सतर वहां बंद। क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब, तेरी कुदरत तो वो है जिसकी ना हद है ना हिसाब। तू जो चाहे तो उठे सीना सहरा से बाब, रहरवे दश्त हो सीनी जरा मौज सराब। ताने अप्यार है, रुसवाई है, नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का एवज ख्वारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का एवज ख्वारी है। आज मुसलमान सब कौम से ज्यादा मुफलिस और नादार हैं, हालांकि तू कादर मुतलक है और तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। अगर तू चाहे तो रेगिस्तान को समंदर में तब्दील कर सकता है। आज हम गैरों के ताने सुन रहे हैं, रुसवा हैं, नादार हैं। ऐ खुदा, क्या मुसलमान होने का सिला यह है कि हम दुनिया की नजरों में जलील हो जाएं? 18वां बंद। बनी अखियार की अब चाहने वाली दुनिया, रह गई अपने लिए एक ख्याली दुनिया। हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे। ऐ खुदा, इस वक्त हालत यह है कि दुनिया और उसकी दौलत तो अग्यार के कब्जे में है, मुसलमान सिर्फ ख्याली दुनिया में रहते हैं, तेरी दुनिया पर उन्हें कोई इख्तदार हासिल नहीं है। ऐ खुदा, हम तो इसलिए दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं कि तौहीद कायम रहे और तेरा नाम जिंदा रहे, क्योंकि ये तो नामुमकिन है कि मुसलमानों के फना हो जाने के बाद तेरा नाम बाकी रहे। नोट, इसमें इशारा है हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अल्फाज की तरफ जो जंगे बदर के मौके पर आपकी जबान मुबारक से निकले थे कि ऐ खुदा, ये मुट्ठी भर जमात आज फना हो गई तो फिर तू कयामत तक ना पूजा जा सकेगा। 19वां बंद। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। आए वो शाख, गए वादाए फादा लेकर, अब उन्हें धून चिरागे रुखे ज़हबा लेकर, अब उन्हें धून चिरागे रुखे ज़हबा लेकर। ऐ खुदा, आज ये कैफियत है कि मुसलमान हर जगह जलील और ख्वार हैं, और जो लोग तेरे नाम पर सर कटाने के लिए तैयार रहते हैं रफ्ता रफ्ता खत्म हो रहे हैं। उन्होंने अगर तुझसे मोहब्बत की तो उसका सिला भी उन्हें मिल गया, उन्होंने तेरे नाम पर सर कटाया, तूने उनसे जन्नत का वादा किया और वो हंसते हुए रुखसत हो गए, लेकिन अब उन लोगों से तेरी महफिल खाली हो चुकी है। 20वां बंद। दर्द लैला भी वही, हैस का पहलू भी वही, नजद के दश्त जबल में रमे आहू भी वही, इश्क का दिल भी वही, हुस्न का जादू भी वही, उम्मत अहमद मुरसिल भी वही, तू भी वही, फिर ये आजुर्दगी ये गैर सबब क्या मानी, अपने शहदाओं पे ये चश्म गजब क्या मानी, अपने शहदाओं पे ये चश्म गजब क्या मानी। ऐ खुदा, इस्लाम की खूबियां बदस्तूर मौजूद हैं, मुसलमानों की इस्लाम से मोहब्बत भी बरकरार है, हज काबा का सिलसिला भी उसी तरह जारी है, मुसलमानों के जज्बात आशिकी उसी तरह जिंदा हैं, इस्लाम की दिलकशी भी बदस्तूर कायम है। हम भी वही हैं जो थे और तू भी वही है जो था, फिर इस नाराजगी का सबब क्या है। 21वां बंद। तुझको छोड़ा कि रसूल अरबी को छोड़ा, बुत गरी पेशा किया बुत शिकनी को छोड़ा, इश्क को इश्क की आशुफ्ता सरी को छोड़ा, रस्म सलमान व अवैस करनी को छोड़ा,
आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाले हबशी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाले हबशी रखते हैं। ऐ खुदा तू ही बता, आखिर हमने क्या उसूल किया है? तुझको भुला दिया, तेरे रसूल को फरामोश कर दिया, बुत परस्ती अख्तियार कर ली, सरकारे दो आलम से मोहब्बत तर्क कर दी, हजरत सुलेमान रजी अल्लाह अन्हा और हजरत उवैस रजी अल्लाह अन्हा की तकलीफ तर्क कर दी। हकीकत यह है कि हम अब भी तौहीद की आग अपने सीनों में पोशीदा रखते हैं और बिलाल रजी अल्लाह अन्हा की तरह तेरे नाम पर सख्तियां झेलने के लिए तैयार हैं। 22वां बंद। इश्क की खैर वो पहली सी अदा भी न सही, जादाए पैमाइए तस्लीम और रजा भी न सही, मुस्तरब दिल सिफत क़िबला नुमा भी न सही, और पाबंदी आईन वफा भी न सही, कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हट जाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हट जाई है। ये माना कि हम इश्क मोहब्बत में असलाफ यानी अंगलों का मुकाबला नहीं कर सकते और हमारे अंदर तस्लीम और रजा यानी इताअत का वो रंग भी नहीं है जो उन बुजुर्गों में पाया जाता था, और हम इस हद तक इस्लाम के पाबंद और शरीयत के वफादार भी नहीं, लेकिन गुस्ताखी माफ हो, कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, ये बात हमारी समझ में तो आती नहीं। 23वां बंद। सरे फारां पे किया दीन को कामिल तूने, एक इशारे में हजारों के लिए दिल तूने, आतिश अंदोज किया इश्क हासिल तूने, फूंक दी गर्मी रुखसार से महफिल तूने, आज क्यों सीने हमारे शरराबाद नहीं, हम वही सोख्ता सामा हैं तुझे याद नहीं, हम वही सोख्ता सामा हैं तुझे याद नहीं। यह हकीकत है कि इस्लाम का आफ्ताब कुए फारा की चोटियों से तुलू हुआ और तूने इस दुनिया को मायल कर दिया, चुनांचे हजारों लाखों आदमी इस्लाम की खूबियों को देखकर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में दाखिल हो गए और हुजूर अब्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल में तेरी मोहब्बत की आग रोशन कर दी। चुनांचे उन बुजुर्गों ने उस आग की बदौलत एक दुनिया को इस्लाम का गर्विदा बना दिया, लेकिन हम भी तो उन्हीं मुसलमानों की औलाद हैं, फिर हमारे अंदर वो आग क्यों सर्द हो गई है? 24वां बंद। वादी नजद में वो शोर सलासल न रहा, कायस दीवानाए नजाराए महमल न रहा, हौसले वो न रहे हम न रहे दिल न रहा, घर ये उजड़ा है कि तू रौनक महफिल न रहा, ए खुशहां रोज के आई ओ बसर नाज आई, बेहिजाबाना सुए महफिल माबाज आई, बेहिजाबाना सुए महफिल माबाज आई। अब मुसलमानों में इश्क रसूल का वो जज्बा नजर नहीं आता, अब मुसलमान इस्लाम पर दीवाने वार निसार नहीं होते, अब मुसलमानों को इस्लाम से वो मोहब्बत बाकी नहीं रही। हकीकत तो यह है कि अब ना हमारे अंदर हौसला है और ना हिम्मत है। आखिर ये बात क्या है? काश तू फिर हम पर एक निगाहें करम करे और फिर हमारी महफिल में तशरीफ फरमा हो। 25वां बंद। बादाए कश गायर हैं गुलशन में लबे जू बैठे, सुनते हैं जामे वक्फ नगमाए कुकू बैठे, दूर हंगामाए गुलजार से यकसू बैठे, तेरे दीवाने भी हैं मुंतजरे हू बैठे, अपने परवानों को फिर जौके अफरोजी दे, बड़के देरीना को फरमाने जिगर सोजी दे, बड़के देरीना को फरमाने जिगर सोजी दे। है खुदा आज ये हालत है कि अगयार ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, दुनिया की नियामतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, उनकी महफिल ऐश से बहुत दूर सिमटे सिमटाए कुछ फाका मस्त मुसलमान भी बैठे हैं और तेरी निगाहे करम की मुंतजर है। ऐ खुदा तू हम पर अपना फजल नाजिल कर और हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत की आग रोशन कर दे। 26वां बंद।
قوم آوارہ اناتاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبلے بے پر کو مذاق پرواز، مسترب باغ کے ہر گنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنائی مزراب ہے ساز، نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، تور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے، تور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ اے خدا، مسلمان قوم اپنی غلطی پر نادم ہے، اب پھر تیری طرف جھک رہی ہے، اگرچہ قوم بے پر اور بے زر ہے، لیکن اس میں پرواز یعنی ترقی کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ قوم یعنی باغ کے ہر فل یعنی غنچے کے دل میں عشق رسول کا جذبہ کار فرما ہے، بس تیری ایک نگاہ کرم کی دیر ہے، مسلمان پھر دنیا میں غالب آ سکتے ہیں، مسلمان پھر تیری راہ میں سر کٹانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، پوری قوم یعنی تور تیری راہ میں سر فروشی کے لیے آمادہ ہے۔ مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے، مورب مایا کو ہم دوش سلیمان کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، جوئے ہوں می چک از حضرت دیری نما، می تپد نالا بناشتر خدا سی نما، می تپد نالا بناشتر خدا سی نما۔ ہم جو کہ اس وقت بہت مفلس اور حقیر ہیں، پھر سلیمان کا ہم رتبہ بنا دے، ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ بھڑکا دے، ہم ہندی مسلمانوں کو جو نام کے مسلمان ہیں سچا مسلمان بنا دے۔ نوٹ: واضح ہو کہ ہند کے دیر نشینوں سے ہندو یا بت پرست مراد نہیں ہیں، بلکہ خود وہ مسلمان مراد ہیں جو عملی اعتبار سے ہندو یا بت پرست ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے ہمیشہ اپنی گفتگو میں یہی خیال ظاہر کیا کہ اگر ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں تو ساری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ اے خدا، آج ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہمارے دل حسرتوں کے خزانے بن گئے ہیں اور ان سے خون یعنی مایوسی کی نہریں جاری ہیں، یعنی ہم سراپا حسرت ہیں، اور ہمارے سینوں میں سینکڑوں نشتر چھپے ہوئے ہیں اور ان سے نالہ و فریاد کی صدائیں نکل رہی ہیں، یہاں شکوہ ختم ہو جاتا ہے۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن رازے چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غمازے چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا سازے چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پردازے چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاتم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاتم اب تک۔ اب شاعر اپنے دل سے باتیں کرتا ہے کہ افسوس، مسلمانوں نے خود غیروں کو قوم کی کمزوریوں سے آگاہ کر دیا، میر جعفر اور میر صادق نے مسلمان ہو کر اسلام کو نقصان پہنچایا، ان غداروں اور منافقوں کی بدولت چمن برباد ہو گیا، سلطنت ختم ہو گئی، قوم غلام بن گئی، اور اسلام کی شہدائی سن 1857 میں ایک ایک کر کے قوم پر نثار ہو گئے، یعنی زمزمہ بلداز چمن ڈالیوں سے اڑ گئے، بس سارے باغ میں ایک بلبل یعنی اقبال کی ذات رہ گئی ہے جو نغمہ بلدازی کر رہی ہے، یعنی قوم کو بھر رہی ہے، اس کے سینے میں ابھی تک جذبات کی شدت موجود ہے۔ نوٹ: واضح ہو کہ یوں تو ساری نظمیں رمز و کنائیہ کی فراوانی ہیں، لیکن ان آخری 4 بندوں میں تو ساری گفتگو رمز اور کنایہ ہی کے پردوں میں کی ہے۔ طلبہ کو واضح ہو کہ آئندہ اشعار میں کسی لفظ کے لغوی معنی مراد نہیں ہے۔ 29واں بند: قمریاں شاخ سنوبر سے گریزاں بھی ہوئی، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئی، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئی، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئی، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔
अगरचे कौम के अक्सर रहनुमाओं ने खिदमत कौम की बजाय खिदमत सरकार को अपना शार बना लिया, यानी उमरियां शाख सनोबर से गुरेजा हो गई, और लीडरों की इस खुदगर्जी और जमीर फरोशी का नतीजा ये निकला कि कौम के अफराद तबाह हो गए, यानी फूल की पत्तियां झड़कर परेशान हो गई, मुसलमानों की तहजीब और मुआशरत सब खत्म हो गई, यानी बाग की पुरानी रविशें वीरान हो गई। वाज़े हो कि लफ्ज रविश के दो मायने हैं, एक तो ये कि वो खूबसूरत मगर तंग रास्ता जो बाग में गलगश के लिए बनाया जाता है और उसके किनारे किनारे हसीन फूल उगाए जाते हैं, और दूसरा रविश बमायनी तौर तरीका अंदाज जो किसी कौम की खसूसियात को वाज़े करे। ये लफ्ज यहाँ बहुत मौजू है, बाज आमदम बजरे मतलब। मुसलमानों के शायर मिल्ली सब खत्म हो गए और रफ्ता रफ्ता मुसलमान उलूम व फनून से बेबहरा हो गए, यानी डालियां पैरहन से बेबहरा हो गई। इसके बावजूद इकबाल ने अपनी रविश नहीं बदली, वो बराबर कौम को तरक्की का पैगाम देता रहा। काश कौम उसके कलाम का मुताला करती और उसके कलाम को समझती, काश गुलशन में समझता कोई फरियाद उसकी। 30वां बंद। लुत्फ मरने में है बाकी न मजा जीने में, कुछ मजा है तो यही खूने जिगर पीने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जल्द तड़पते हैं मेरे सीने में, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हैं वो लाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हैं वो लाले ही नहीं। चूंकि कौम मुर्दा हो चुकी है, यानी एहसास मिलने से आरी हो चुकी है, इसीलिए न जीने में कोई लुत्फ है न मरने में कोई मजा है, बस दिन रात खून जिगर पीता हूं और कौम की बेहसी पर नोहा पानी करता रहता हूं। मेरे सीने में सैकड़ों जज्बात और सरहा ख्यालात हैं जो जहूर के लिए बेताब हैं, लेकिन अफसोस कौम में उनकी कदरदान ही मौजूद नहीं। अगर कौम के दिल में मिल्लत का दर्द होता तो वो किसी दर्दमंद के जज्बात को समझ सकती थी। 31वां बंद। चाक इस बुलबुले तन्हा की नवा से दिल हूं, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हूं, यानी फिर जिंदा नए अहद वफा से दिल हूं, फिर इसी बादाए देरीना के प्यासे दिल हूं, अजमी खुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी। 31वां खुदा, मैं तुझसे दुआ करता हूं कि मेरे कलाम में ऐसी तासीर पैदा कर दे कि मुसलमानों के कुलूब उसके मुताले से मुतासिर हो सकें और उनके अंदर एहसास से जिया पैदा हो जाए, ताकि वो तुझसे दोबारा पैमाने वफा बांध सकें और फिर इस्लाम और कुरान की मोहब्बत उनके दिल में मौज़िन हो जाए। आमीन। अगर मैंने अपना पैगाम शेर की सूरत में पेश किया है तो क्या मज़ायका है, पैगाम की रूह तो कुरान से माखूज है, यानी अजमी खुम है तो क्या, मैं तो इजाजी है मेरी। अगर मैंने उर्दू जुबान में शायरी की है तो क्या हुआ, मजामीन और ख्यालात तो इस्लामी हैं, यानी नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी।